टूटा हूँ कि शायद आज के बाद किसी लड़की पे मुझे जिंदगी भर कभी भरोसा नहीं रहेगा, किसी भी लड़की पे। मुझे जब भी दिखता है तो लगता है कि जब 7 साल का रिलेशन में कोई इस तरह से मेरे साथ मजाक कर सकता है तो और क्या हो सकता है, अब कुछ भी नहीं बचा। मुझे 1 महीने के लिए गायब रहना पड़ा। I was absconding for a month. She just wanted money, nothing else. She just spent 21 days with me, that too in installment. उस टाइम मेरे को फील हुआ कि यार क्या सोचा था, कितने अच्छे सुंदर सुंदर सपने ख्वाब सजाए थे, सब बर्बाद हो गया। उस दिन लगा कि हाँ, जो लाइफ पार्टनर है मेरा वो मेरा ही सपोर्ट नहीं कर रहा। हमारे हरियाणा में बोलते हैं प्रधान है वो अपने घर का, तो जो घर का प्रधान है वो तो दुखी हो गया आजकल। एंड नाउ आई एम वेरी मच डिटरमाइंड कि अब ये तो तभी खत्म होगा जब आई विल प्रूव माई सेल्फ क्लीन। जब शादी हुई तो मैं अपनी वाइफ को किसी भी चीज़ों से ज़्यादा मैं उसको रिस्पेक्ट दे रहा था, मैं उसको हर तरह से प्यार देने की कोशिश की, बट मुझे लगता है कि शायद वो शादी के लिए कभी प्रिपेयर थी ही नहीं। शादी से पहले सब कुछ ठीक था, हम लोगों की एंगेजमेंट जुलाई 2016 में हुई थी, उसके बाद 5 महीने का समय हमें मिला एक दूसरे को जानने पहचानने के लिए। हम लोगों ने उस चीज़ का काफ़ी उस टाइम का फ़ायदा उठाया और एक दूसरे को समझने जानने की कोशिश की, और जब तक शादी हुई सब कुछ ठीक था, सब कुछ सही चल रहा था, तो मुझे लगा कि ठीक है, यही है वो लड़की जिसके साथ मैं जिंदगी भर रह सकता हूँ और सब कुछ अच्छा चलेगा। आई गॉट मैरिड फ्रॉम अ पोर्टल shaadi.com, फ्रॉम वेयर आई मेट अ गर्ल, शी इज अ एयर हॉस्टेस। कहते हैं कि मतलब सफ़ेद घोड़े पे एक दूल्हा बैठ के राजकुमार आएगा, वैसे ही हम जैसे लड़कों के भी ख्वाब होते हैं कि हमारी लाइफ में एक रानी जैसी लड़की आएगी जो आपकी केयर करेगी, आपकी फैमिली की केयर करेगी। मैं पहले गुड़गांव में इंजीनियर था, दिल्ली से इंजीनियरिंग करी, घर वालों ने पढ़ने लिखने के लिए भेजा था, दिल्ली में पढ़े लिखे, गुड़गांव में नौकरी करी, राजस्थान में नौकरी करी, यूपी में भी नौकरी करने के लिए गए हैं कई बारी। तो जब घर वालों को लगा कि हाँ भाई अब बेटा हो गया है शादी करने लायक, तो 2014 में मेरी शादी हो गई। शादी हुई 1 दिसंबर को, तो शादी के बाद में अच्छा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मेरी शादी नवंबर 2017 में जमशेदपुर झारखंड में हुई थी। शादी के बाद ठीक 10-15 दिन बाद हम गुड़गांव रहने वापस आ गए थे, मैं और मेरी वाइफ अकेले रहती थी। कि मेरी वाइफ एक छोटी सी डिस्प्यूट हुई, मेरे पेरेंट्स मेरे बच्चे को गांव वगैरह ले जाना चाहते थे, वहां से डिस्प्यूट राइज हुई, उसमें बसा बसी हुई और बस वहाँ से ये कहानी चेंज हो गई, और उसके बाद मेरे से झगड़ा करके मेरे घर से पूरा ज्वेलरी वेल्दी लेके भाग गई। हम लोग इमरजेंसी में घर गए, मेरी वाइफ का जो वहाँ पर नेचर था और जो उसका तौर तरीका था रहने का, वो वहाँ किसी को भी समझ में नहीं आया। वो अपना रात भर मतलब दिन के टाइम सो लिया, जो भी कर लिया, जैसे पेरेंट्स लोगों से कुछ बोलते थे कि आप बेटा ऐसा कर लो या वैसा कर लो, उसने अदरवाइज लेना शुरू कर दिया। तब मुझे कहीं जाकर रियलाइज हुआ कि शायद ये मेरे पेरेंट्स की रेस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही है, और अगर उसे कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है तो वो उस चीज़ को अदरवाइज लेती है और वो अपने ही पेरेंट्स का कहा मानती है। My wife and her family had a problem that they don't want a joint family. So they created a scene and my wife put a condition like she want a separate family, she don't want to live with my family. लड़ाई झगड़े भी बीच में बहुत हुए, उन 5 सालों में बहुत कुछ झेला मैंने। मैंने देखा कि मतलब हर 6 महीने वो अपने मायके जाके रहती थी, किसी ना किसी बात पे झगड़ा करके। उसके घर वाले आते थे मेरे घर के बाहर खड़े होके हंगामा करते थे, फिर भी मैं उसको समझाता रहता था कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, क्यों करते हो। तो बोलती थी इनडायरेक्टली मेरे को, मतलब डायरेक्टली कभी नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोलती थी तुम्हारे मम्मी पापा के साथ मेरे को नहीं रहना, मेरे को अलग रहना है तुम्हारे साथ। उसके बाद कंटिन्यूसली मैं अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, इस अपनी शादी को सेव करने के लिए मैंने लिटरली 20-25 टाइम्स मैं अपनी वाइफ को लेने गया। दे ऑलवेज डिनाई कि मेरी वाइफ को नहीं भेजेंगे, मेरे बच्चे को नहीं भेजेंगे। शादी के 3-4 महीने तक सब कुछ ठीक था, जब तक कि वो अपने घर जमशेदपुर घूमने नहीं जाती। जब भी वो घूम के वापस आती है तो उसकी अनरीजनेबल डिमांड्स आती हैं, जैसे कि आप मेरे भैया के लिए एक पोर्टेबल स्पीकर ले दो, आप मेरे भैया के रूम के लिए कर्टन ले दो, आप मेरे भैया को शर्ट ले दो, मेरे भैया और पापा का सूद ब्याज का काम है, तो आप क्यों नहीं कुछ पैसे वहाँ डालते, उससे कुछ इंटरेस्ट आएगा जिससे हमारी दोनों फैमिली फ्लोरिश करेंगी। मैंने उस चीज़ को राइटफुली और रीजनेबली डिनाई किया, बार बार डिनाई किया। गुड़गांव में जॉब थी मेरी, उसकी भी मैंने जॉब लगवा दी। जॉब लगने के बाद मेरा ससुराल यूँ बोला कि भाई अब मेरी बेटी तो खाने कमाने लायक होगी, इसको तो इतनी जरूरत है नहीं। तो वहाँ से पूरा का पूरा
जो ड्रामा था वो पूरा शुरू हो गया, और बस उसके बाद तो जो जिंदगी में हिचकोले आए हैं, ये ऊपर और वो नीचे, उसके बाद तो फिर कंटिन्यू रहा। अगले 4 महीने में मेरे पिताजी के हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, जो कि मेरी फैमिली के लिए बहुत ही कठिन समय था। और साथ में मेरी माता जी को उसी समय पर एक स्टेज 4 का किडनी कैंसर डिटेक्ट हुआ, जो कि डॉक्टर ने बोला कि इट इज वेरी डेंजरस, और उसको आपको बचाने के लिए अपनी माता जी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये बात भी उन लोगों के समझ में नहीं है, उनकी फैमिली को। So she had a plan, and after some time she said, "Like I will only continue the relation if you're gonna get me money. Otherwise, it's a no from me. I will not even live with you. I will not allow you to live with me. If you gonna get me your money, then it's okay. Otherwise, I will sue you in a court." तो ठीक 2.5 महीने बाद उसने फिर से घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद उसने खूब दबाव बनाया माताजी, पिताजी और मुझ पे कि आप लोग सौरभ को जमशेदपुर शिफ्ट करा दो और अपने भाई के साथ वहाँ पे टैक्स की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करो। जब मैंने उस चीज़ को अगेन राइटफुली एंड रीजनेबली मना किया तो उसने वापस घर छोड़ा, और इस बार घर छोड़ने के बाद उसने केसेस लगाने की धमकी भी दी। मेरे पे बहुत गंदे एलिगेशन लगा दिए कि मैं, मेरी पूरी शादी इलीगल है, और जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, और मुझे लगा कि मैं किस रिश्ते में रह रहा था इतने दिन से। मैं बहुत रोया था उस दिन, मुझे याद है वो एलिगेशन पढ़ के लीगल नोटिस पे। उसी बात को लेकर उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दिया। पुलिस स्टेशन से मेरे पास फोन आया कि आपकी वाइफ ने आपके अगेंस्ट कंप्लेंट की, अगर आप कल सुबह 10 बजे तक नहीं आओगे तो FIR कन्वर्ट हो जाएगी और हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। एंड देन स्लोली इट केम इनटू अ पुलिस एंड देन इनटू अ कोर्ट एंड आई एम फेसिंग अ फॉल्स चार्जेस नाउ। बीच में काफ़ी एलिगेशंस भी मेरी वाइफ ने लगाए कि मैं पैसे छीनता हूँ उससे, और मेरे को स्टोन प्रॉब्लम थी तो उसकी ट्रीटमेंट चल ही रहा था उस दौरान। तब मेरी वाइफ ने ये भी एलिगेशंस लगाए कि मेरी पथरी उसके अंदर चली गई है। मतलब एक टाइप से, मतलब ये मजाक टाइप क्या था मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। लिटरली मेरे को पूरा अब्यूज किया गया, लगभग 1.5 साल एक कमरे में बंद करके। किसी को अगर लगातार आप फेक एलिगेशन लगाओगे तो किस तरह से लोग टॉर्चर होते हैं वो मैंने फील किया, जब मुझे लगातार अब्यूज कर रहे थे लोग, मुझे लगातार मेरे पर फेक एलिगेशन लगाए जा रहे थे, जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी उस पर कोई बात ही नहीं करता था। मैं पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। अल्टीमेटली मैं अपने आप को, बच्चे नहीं थे तो मैं उनके खिलौने देख के काफ़ी रोता था घर में। पेरेंट्स को कभी भी नहीं बता पाया कि मेरे साथ ये कुछ हो रहा है। किसी को बोलता था तो सब बोलते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, एक लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती है। मैंने कहा मारते पीटते कहा भाई हम उससे पूछो, तो एक बार फिर पंचायत बैठी, फिर उन्होंने फिर बोला, जब मैंने अपनी वाइफ से जो एलिगेशन मेरे पे लगाए गए मैंने पूछा, इससे पूछो ये हुआ है कि नहीं हुआ, उसने वहाँ पे कुछ जवाब नहीं दिया, चुप रही वो। वेट किया, लोगों से प्रेशर डलवाया, जब हम फिर भी नहीं माने तो उसने 498 IPC, 406 IPC, 34 IPC, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर Section 3, Section 4 मेरे पे, मेरे पिताजी, माता जी और मेरे भाई पे, छोटे पे, सब पे लगाया। 3 या 4 महीने बाद बिना मुझसे कुछ बात करे, जीत करे, डायरेक्टली मेरे ऊपर केसेस डाल दिए मथुरा में। 498 दहेज का डाला, मारपीट का डाला, और यहाँ वो कभी कंसीव नहीं कर सकती थी तो उसका इल्ज़ाम भी मुझ पे लगाया, और ये भी लिखा कि वो प्रेग्नेंट हुई, कंसीव किया उसने, वो प्रेग्नेंट हुई और मैंने उसका ज़बरदस्ती अबॉर्शन करवा दिया घर में ही दवाई खिला के। अगर 498 की जब FIR होती है तो आपको एक नोटिस देना पड़ता है सामने वाले इंसान को कि आप पुलिस स्टेशन में आइए, फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, लेकिन पुलिस वो नहीं देती है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन वो फॉलो नहीं करते हैं। महिला थाना, उसका नाम ही महिला थाना है, जहाँ तो वहाँ पे मेरी, मैं पहले मेरी सुनी नहीं जा रही थी, फिर मैं समझा इसका नाम ही महिला थाना है जहाँ पे मेरी नहीं सुनी जाएगी, सिर्फ महिला की ही सुनी जाएगी, और महिला भी उनके लिए सिर्फ एक बीवी एक बहू ही होती है महिला, ना कोई सास को, ना कोई ननंद, ना कोई देवरानी, जेठानी, दादी, कोई उनके लिए वो कोई महिला नहीं होती, बस वही महिला होती है उनके लिए जो एक बहू है, पत्नी है, बस वही। जुडिशरी इज कल्प्रेट। एसओ मैडम के बीच और मेरी वाइफ के बीच क्या बात हुई मेरे को नहीं पता, उन्होंने सीधा डायरेक्टली आके मेरे को बोला, देखो मंत्री के यहाँ से लेटर आया है और अभी के अभी तुमको और तुम्हारे मम्मी मदर फादर वहाँ पे आए हुए थे, उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं
यार परेशान हो गया मैं उस टाइम, क्या करूं क्या ना करूं मैं। ठीक है मैं डिसाइड कर लिया, ठीक है मैं अलग रहूंगा। आप आदमी की कोई सुनता नहीं है, आदमी अगर थाने में जाता है तो पुलिस वाले बोलते हैं हां छोरा तूने कुछ गलत किया होगा, छोरी तो गलत करने लगती। मैंने मतलब पुलिस वाले बोलते थे अरे तो पे, मतलब वहां की लैंग्वेज ऐसी होती थी कि अरे तो पे तेरी बीवी ना संभाली गई या कोई और ही संभाल रहा था तेरी बीवी, मतलब ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज, गंदी गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे थे। सारे एविडेंसेस दिए पुलिस को, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स, टिकट्स, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शंस, जो पूरी की पूरी तरीके से उसकी कंप्लेन को रिफ्यूट करते थे। उसके बाद भी पुलिस का स्टेटमेंट हमें सिर्फ एक ही था कि ये कानून बना हुआ है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, हमारी नौकरी का सवाल है, हमें चार्जशीट डालनी होगी। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी करते हुए उन्होंने चार्जशीट डाली और किसी भी एविडेंस को ठीक से टटोला नहीं, समझा नहीं। मैं बहुत टूट गया था इन सब चीज़ों से। मैं उसके एलिगेशन पढ़ के 3 दिन तक मेरे अंदर से खाना तक मेरे शरीर से नहीं क्रॉस कर पाया था। ये इतना बड़ा ट्रॉमा मेरे लिए था कि मैं जिस लड़की के लिए इतना कुछ किया अब तक 7-8 साल की शादी में, उसने मेरे साथ ऐसा कुछ चीट कर दिया मेरे साथ। मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में मैं चला गया था। इवन मैं सुसाइड करने तक की कोशिश करने का सोचने लगा था, लगता था इसके आगे डेड एंड है, मेरी लाइफ में कुछ अब बचा ही नहीं। मेरी सिस्टर का फोन आया कि मम्मी की एकदम से तबीयत खराब हो रही है, भैया जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ, आ सको आ जाओ। अगले 1 घंटे में मेरी माता जी का हार्ट काम करना बंद कर दिया, किडनी रुक गई और मेरी माता जी भी एक्सपायर हो गई। ये FIR होने के 20 दिन के अंदर हुआ। When I felt myself alone, so I took a decision to commit a suicide. Maybe that could be the end of every problem. And I went to Chandigarh Lake, so like I can jump in it. Condition ये आ गई थी, एक रात को मतलब नींद नहीं आ रही थी, मतलब मम्मी पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी दोनों की टेंशन से। रात को मतलब कैसे सोच सकते हैं, मैं अपने पापा की रात में अब सांसें चेक करता था, मैं सांसें चेक करता था कि जिंदा तो है। बहुत ज्यादा डिप्रेशन हुआ था ना, उस दौरान मैंने सुसाइड प्लान कर लिया था कि मेरे घर के पास NH-24 है, हाईवे है, ट्रक चलते हैं, किसी भी ट्रक के आगे घुस जाऊंगा। मेरे पास जब कोई ऑप्शन नहीं रहा तो मैंने सोशल मीडिया पे उतर के अपने बारे में लोगों को बताया। तब मुझे मार्च 2019 के आसपास में गूगल पे दीपिका नारायण भारद्वाज का एक मूवी था, वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला। तब मैंने फाइट करने का सोचा इन सब चीज़ों से। किसी के लिए भी एक 30 साल की उम्र में अपने माँ बाप को खो देना, इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। मैंने अपने इन हाथों से उन दोनों की चिता जलाई थी, तो मैं समझ सकता हूँ कि मेरे दिल पर क्या बीती थी। लेकिन मैंने एक बात अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि आगे जाके कुछ भी हो जाए, मुझे चाहिए लोग जो करना चाहे कर दे, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा और मैं अब केस लड़ूंगा। लाइक व्हाइल वॉकिंग अराउंड आई फाउंड फ्यू पीपल, दोज आर आल्सो फेसिंग सेम प्रॉब्लम्स, सो आई जस्ट लाइक लिसन टू देम स्टैंडिंग अलोन साइड बाय, एंड देन आई एंटर्ड इन दैट ग्रुप। सो आई फाउंड माई सेल्फ नॉट लाइक आई एम नॉट अलोन, I like same community, same people are there, like who are facing same problems. मैं घर से रात के 3 बजे चुपचाप निकल गया, गया वहाँ पे, गया रोड पे तो देखा एक वहाँ पे एक भिखारी बैठा हुआ था, उसके साथ उसका बच्चा था। वो बाप मतलब लेटे हुए थे रात में, वो उस बाप ने उस बच्चे का हाथ पकड़ रखा था सोते हुए भी। वो सीन देख के मेरे को लगा यार मैं अपने माँ को ऐसे सुषमा के अलग ऐसे छोड़ दूँ, मेरे को जीना है उनके लिए। फिर मैं उसी टाइम वापस वहां से आ गया। फिर मैंने अगले दिन सोचा अब मुझे कुछ करना है, फिर मैंने ऑनलाइन ढूंढना स्टार्ट किया कि मेरे लिए भी कुछ है या नहीं। सिंस मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे लॉ की थोड़ी नॉलेज जरूर है, तो मैंने बेयर एक्ट्स पढ़ने शुरू किए, मेंस राइट एक्टिविस्ट से इन्वॉल्व हुआ, एंड नाउ आई एम वेरी मच डिटरमाइंड कि अब ये तो तभी खत्म होगा जब आई विल प्रूफ मायसेल्फ क्लीन। को और एलिगेशन से मुझे अब प्यार हो गया, इतना कुछ होने के बाद अब वाइफ से तो प्यार बचा नहीं है।
अब लेकिन मेरे एलिगेशन ही मुझे अब अच्छे लगने लगे हैं। मैं उसको अब बार बार बोलता हूँ, मैं एलिगेशन को अपने आई लव यू बोलना चाहता हूँ। Doesn't matter what happens to me, but I'm going to live my life my own way. Now I'm not a victim. I'm fighting those false cases. I am a warrior. उसके बाद मैं एकदम बदल गया और सबसे ज़्यादा मतलब peace of mind मिला मेरे को, और जो मेरे को peace of mind मिला उसी confidence से मैंने अपने मम्मी पापा को संभाला, उन्हें भी peace of mind दिया कि हाँ आगे कुछ नहीं होगा, अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, एंड में जाके कुछ भी हो इसमें सिर्फ पैसा और टाइम खराब होना है हमारा, एंड में जाके सच सामने ज़रूर आएगा। आदमी है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके भी तो कुछ राइट होंगे, तो उसके राइट्स के बारे में भी बात करना चाहिए, और सरकार को भी एक कुछ एक सपोर्ट सिस्टम शुरू करना चाहिए ताकि जो आदमी है इतने परेशान है उन सब के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बने, उनकी भी बात सुनी जाए। आज मैं कल आपका बेटा, भाई, पति, जीजा, कोई भी हो सकता है। आज नहीं जाके तो फिर शायद कभी नहीं।